नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जो मैं आज आपके लिए जानकारी लेके आया हूँ, मैं लेके आया हूँ यूपीएससी ने जो है अपना कैलेंडर जारी कर दिया है 2020 और 2021 के लिए जो है कैलेंडर जारी कर दिया है। और इसमें जो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि कब कब आपका कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा, कौन सा एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर आप इसका कैलेंडर अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो www.sarkaririzults.com और यूपीएससी की ऑफिशियल साइट पर भी जाके जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि हम जो है ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ शिक्षा जगत की आपको सामने लेके आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस स्टेट एग्ज़ाम कैलेंडर 2020 यानी उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम होंगे 2020 एंड 2021 के जो है एक कैलेंडर जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। अभी जो मैं आपको ऑफिशियली जो है आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ। जो नोटिस दिया है आप यहाँ पे वैसे देख भी सकते हैं, एग्ज़ाम का जो है आपको यहाँ पे सारा कुछ पता भी चल जाएगा। लेकिन जो है मैं आपको फ्रेंड्स सबसे पहले जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ कि जो यूपीएससी की ऑफिशियली साइट है फ्रेंड्स, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की जो ऑफिशियली साइट है, आप जो है इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ डाउनलोड आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो है आपको ये वाली वेबसाइट खोल लेनी है, www.sarkaririzults.com आपको खोल लेना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे। उसके बाद उस आपको जो है सबसे नीचे आ जाना है, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ इंपॉर्टेंट लिंक पे आ जाना है, जहाँ आप इंपॉर्टेंट लिंक दे रखे होंगे। यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा डाउनलोड कैलेंडर 2020 2021। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो सबसे पहले जो है आपको क्लिक कर देना है। ये जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप जो है इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, जो इनकी यूपीएससी की ऑफिशियली वेबसाइट है। उसके बाद जो है आपको फर्स्ट पेज फर्स्ट वाला दिख रहा होगा ना, आपको जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको फर्स्ट वाला दिख रहा होगा। तो आप ये दिख रहा होगा एग्ज़ाम कैलेंडर फॉर 2020 एंड 2021, और न्यू भी लिखा आ रहा होगा। तो आप जो है ना इस पर क्लिक कर देना है, आप इस पर क्लिक कर देना है तो आपको जो है ये डाउनलोड हो जाएगा आपके, आप अगर मोबाइल में कर रहे हो तो मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, अगर आप लैपटॉप में कर रहे हो तो लैपटॉप में जो है आप डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद वो डाउनलोड हो गया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये जो जारी हुआ है 9 जून 2020, यानी अभी ऑफिशियली है ये फ्रेंड्स, ऑफिशियली है 9 जून 2020 को जो है ये जारी हुआ है। और मैं इसमें बता देता हूँ परीक्षा के नाम, परीक्षा तिथि इन्होंने जो है सारा डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम फर्स्ट की बात करें, सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2018 जो ली जाएगी वो 18 जुलाई 2020 को जो ली जाएगी। उसके बाद है सम्मिलित राज्य अधीनित जो सेवा की जो मुख्य परीक्षा है वो ली जाएगी 25 जुलाई से जो है आपकी परीक्षा ली जाएगी। और उसके बाद थर्ड नंबर पे है खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2019 ये ली जाएगी 16 अगस्त 2020 को ये ली जाएगी। अगली देखते हैं फोर्थ, चौथी क्या बताई गई है, कंप्यूटर सहायक की ली जाएगी 23/8/2020 को। उसके बाद है फिफ्थ, समीक्षा अधिकारी, जो काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है समीक्षा अधिकारी की, वो ली जाएगी परीक्षा 13/9/2020 को ली जाएगी। सहायक वन संरक्षण की परीक्षा ली जाएगी 19/9/2020 से ली जाएगी। सेवंथ देखते हैं, सेवंथ का क्या क्या बताया गया है, सम्मिलित राज्य पीसीएस परीक्षा 2020 तथा सहायक वन संरक्षण की परीक्षा ली जाएगी 11/10/2020 यानी 11 अक्टूबर को ये ली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और एंड मैं एट्थ पे बताता हूँ, सम्मिलित राज्य सेवा की परीक्षा 2019 में जो है वो ली जाएगी 1/11/2020 यानी 1 नवंबर 2020। उद्योग विभाग के अंतर्गत सहायक प्रतिबंधन
गैर तकनीकी की परीक्षा 2016 वाली परीक्षा जो है वो 26/11/2020 को जो है वो ली जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2019 की जो परीक्षा ली जाएगी वो ली जाएगी 22/12/2020 से। अब देखते हैं 12th सम्मिलित राज्य अधीनित सेवा मुख्य परीक्षा जो ली जाएगी 22/1/2021 से ली जाएगी, ठीक है, 22/1/2021 से, यानी नेक्स्ट ईयर ली जाएगी। अब लास्ट लास्ट में देखते हैं सहायक वन संरक्षण क्षेत्रीय वन अधिकारी मुख्य परीक्षा ये ली जाएगी 13/2/2020 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारा मैंने आपको सारी डेट बता दी है जो जो परीक्षा ली जाएगी, और ये जो डेट है ये टेंटेटिव है, यूपीएससी का कहना है ये टेंटेटिव है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसी, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है, यानी 70 से 80% अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दिन ये परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने जो है लिख भी रखा है, यहाँ पे आप देखिए उन्होंने लिख भी रखा है कि तिथियों में जो है परिवर्तन किया जा सकता है, तिथियों में जो है उनका परिवर्तन जो है किया जा सकता है, यानी कुछ हो गया उनका तैयारी नहीं है उस तरीके की परीक्षा कराने में, तो वो थोड़ा बहुत जो है परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन फाइनली जो है उन्होंने लेकिन कैलेंडर जब यूपीएससी या कोई भी विभाग जारी करता है तो एक टेंटेटिव डेट ही देता है, क्योंकि उनको जो है कुछ दिक्कत भी आ सकती है, जैसे कुछ नहीं हो पाई, तैयारी नहीं हो पा रही है ना, परीक्षा जो केंद्र हैं वो खाली नहीं है, तो उस कारण से जो है परीक्षा लेट हो जाती है, वैसे जो है परीक्षा लेट नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने ये आपको यूपीएससी का कैलेंडर बता दिया 2020 और 2021 में जो है परीक्षा होने वाली है यूपीएससी की, और आपको जो है ये इस वीडियो के माध्यम से ना और बच्चों को भी जो है ना आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि और बच्चों को भी जो हेल्प हो सके, तो उनको भी जो यूपीएससी की तैयारी करता है तो उनको भी जो है ना सारी जानकारी मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल शिक्षा न्यूज़ यूट्यूब चैनल को ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि आपको जो है नोटिफिकेशन जब ही मिल पाएगा वीडियो का, अन्यथा जो है आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं और वीडियो के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू फ्रेंड्स।